खबर बैतूल मध्य प्रदेश से। बैतूल कांग्रेस कमेटी ने शिवराज का पुतला फूका। लल्लू मातनाकर की संदिग्ध मौत और बढ़े रेत के दाम को लेकर बैतूल बंद। रेत के बढ़ते दाम और बैतूल निवासी मल्लू मातनर की संदिग्ध मौत मामले को लेकर कांग्रेस ने आज बैतूल बंद का आह्वान किया है। सुबह से ही कोठी बाजार और गंज क्षेत्र की दुकानें बंद है। कांग्रेसियों की मांग है कि रेत के दाम कम किए जाएं और लल्लू की मौत की न्यायिक जांच हो। कांग्रेस बैतूल बंद को व्यापारियों का भी समर्थन मिल रहा है। 3 बजे तक पूरे शहर की दुकानें बंद थी। कुछ स्थानों पर फलों और चाय की दुकानें खुल गई थी और पेट्रोल पंप खुले हैं। कांग्रेस ने दोपहर बजे तक बैतूल बंद का आह्वान किया है। प्रदर्शन का और क्या किया गया कांग्रेस द्वारा? एक्चुअली क्या है, आज लल्लू मातनकर एक शिक्षक थे, विनोबा वार्ड निवासी, उनकी पुलिस कस्टडी में जो मौत हुई है उसको लेकर कांग्रेस ने आज यहाँ बैतूल बंद बुलाया था। और दूसरा मुद्दा रेत को लेकर था, जो रेत के दाम बढ़ रहे हैं उसको लेकर भी कांग्रेस बहुत ज़्यादा आक्रामक थी। और आज दोनों मुद्दों को लेकर हमने बैतूल बंद कराया, जिसमें हमें सफलता मिली है। पुतला दहन भी किया गया, किसका पुतला दहन किया गया? और ये शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन का पुतला था। उन्हें बताया गया है कि आपकी पुलिस आज देखिए क्या अत्याचार कर रही है बैतूल की जनता पर, इसको लेके आज पुतला भी जलाया गया। बंद का कितना समर्थन मिला है? आप खुद पत्रकार हैं, आप देखिए आज पूरा बैतूल बंद है और पूरे बैतूल ने आज कांग्रेस पार्टी जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुनील शर्मा को समर्थन देके ये बताया कि कांग्रेस गरीबों की लड़ाई लड़ती है, कांग्रेस हमेशा कमजोरों के साथ खड़ी रहती है। पूछो जब बोलेंगे। ये बताएं कि आज आप लोग, ये पुतला विरोध शिवराज सिंह सरकार का है। बैतूल जिले में एक सीधा साधा मास्टर लल्लू माथनकर को और उस वार्ड के निवासियों को पुलिस ने बंद करी, उसमें उसकी हत्या हुई, ऐसा पूरे मोहल्ले के वहाँ के लोगों का, उनके परिवार का कहना है। उसको लेके बैतूल बंद हुआ है, महंगाई को लेके बैतूल बंद हुआ है। जो महंगाई, जो रेत है, इतनी महंगी रेत है कि आम आदमी का घर बनाना दुश्वार हो गया है। जहाँ पर प्रधानमंत्री बात करते हैं कि 2.5 लाख में मकान बनाओ, अगर आज उसकी रेत की क्वांटिटी देखा जाएगा तो 2 लाख रुपए की तो सिर्फ रेत ही आ जाएगी, तो क्या मकान बनाएगा। इन सब के विरोध के कारण आज बैतूल बंद कर रही है। खबर भारतवर्ष के लिए बैतूल मध्य प्रदेश से रामेश्वर लक्षणे की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।